शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट में होगी सीएम केजरीवाल की पेशी, आज खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। 28 मार्च को खत्म हुई थी सीएम केजरीवाल की रिमांड, बाद में कोर्ट ने रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, जेल से आदेश या निर्देश जारी करने से रोकने की मांग की गई। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट, समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने की थी शिकायत। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की हुई है गिरफ्तारी। आज से वित्त वर्ष 2024-25 की हो गई है शुरुआत, देश में होंगे बड़े बदलाव, एसबीआई के डेबिट कार्ड का बढ़ेगा चार्ज। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें तय होंगी, एनपीएस में अलौकिक का बदला जाएगा तरीका। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हुई, अब आधार से लिंक करने पर देना होगा जुर्माना। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तूफान और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में तूफान का कहर, 5 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घायल। जलपाईगुड़ी में तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, कई मकानों को नुकसान पहुंचाया, कई जगह पेड़ उखड़े। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जलपाईगुड़ी में तूफान से हुई मौत पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है। असम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कई जगहों पर उखड़े पेड़, कई घरों को नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी में तूफान से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा, एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिरा, उड़ानों पर भी इसका असर दिखा। मणिपुर के कई इलाकों में भी बारिश से तबाही है, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश होने का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए, पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई है, सड़क के दोनों तरफ लगा हुआ है लंबा जाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना को 90 साल पूरे हुए, मुंबई में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुंबई में आरबीआई के स्थापना दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज होगी बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रेस वार्ता, बीजेपी मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राजस्थान के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, जोधपुर में लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान के सीकर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, लोगों का उमड़ा हुजूम, समर्थन में लगाए नारे। यूपी के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। कांग्रेस सीईसी की बैठक में कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का टिकट फाइनल हुआ, भागलपुर सीट पर नहीं बनी बात, सूत्रों के हवाले से जानकारी। कांग्रेस की बैठक में पूर्णिया सीट पर चल रहे विवाद पर हुई चर्चा, सूत्रों के अनुसार पूर्णिया सीट पर नहीं बनी कोई सहमति। मेरठ में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया, कहा ये चुनाव देश को विकसित बनाने को लिए है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, कहा राम मंदिर में आज लाखों लोग कर रहे हैं दर्शन। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने कच्चा थीवु द्वीप को भारत से अलग किया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा, कहा हर भ्रष्टाचारी पर होगा एक्शन। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, बोले चुनाव से पहले हो रही है फिक्सिंग की कोशिश। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा देश में नोटबंदी और जीएसटी से किसे फायदा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को प्रचार से रोकने की साजिश का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस के खाते बंद कर प्रचार से रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया, कहा जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहां वहां तीर्थ बनेगा। कूचबिहार में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है आरोप।
ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह कमेटी के वकील रखेंगे पक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 मामलों पर एक साथ होगी सुनवाई। एमपी के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने रोक के लिए दाखिल की याचिका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, कोर्ट ने विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने से इनकार किया था। हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है। सदानंद वसंत दाते ने एनआईए चीफ का संभाला कार्यभार, 26/11 हमले के दौरान नायक बनकर उभरे थे सदानंद वसंत दाते। सीबीआई ने कश्मीरी परिवार का दर्ज किया बयान, कथित तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए किया गया था मजबूर। अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, लंबी दूरी के लक्ष्य पर सटीकता से किया गया हमला। राजस्थान के जयपुर में नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भेजने का आरोप, आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है सदस्य। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, ट्रक चालक फरार हो गया। झारखंड के पाकुड़ में ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, कार्रवाई कर रही पुलिस। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 2 लोगों को रौंद दिया, बाइक को भी मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के बहराइच में मगरमच्छ के हमले में मासूम बच्चे की मौत हो गई, नदी किनारे मवेशियों को लेकर गया था मासूम बच्चा। कर्नाटक के बेंगलुरु में जंगल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। बिहार के सीवान में थाना परिसर में लगी भीषण आग, थाने में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, इलाके में फैला धुएं का गुबार। दिल्ली के प्रहलादपुर बांगर के कपड़ों की फैक्ट्री में लगी है भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के आगरा में 2 मंजिला घर में लगी भयंकर आग, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में 2 दुकानों में लगी आग, आसमान में दिखा काला धुआं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के आनंद पर्वत क्षेत्र में घर से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया, सेप्टिक टैंक में मिली लाश। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 1000 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त की, 11 करोड़ रुपए आंकी गई कीमत, सियरा लियोन का एक नागरिक गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया, पति ने 2 बच्चों और पत्नी को मौत के घाट उतारा, आरोपी पति गिरफ्तार किया गया। यूपी के हापुड़ में खंडर में मिला बच्ची का शव, लाठी डंडों से पीटकर हत्या की आशंका है, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दुकान के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, बंद दुकान से शराब ना देने पर बदमाशों ने गोली मार दी, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के इटावा में दारोगा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मानसिक तनाव के चलते खुदकुशी की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर चल रहा था हथियारों का कारोबार। झारखंड के चतरा में 750 लीटर अवैध शराब बरामद, 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में 240 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, 30 लाख रुपए बताई जा रही कीमत, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में अपनी पहली जीत हासिल की है, चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने बनाए 191 रन, लक्ष्य का पीछा करते हुए 171 रन बना सकी चेन्नई की टीम। दिल्ली के खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी की, चेन्नई के 2 बल्लेबाजों को दिखाया पवेलियन का रास्ता, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। कप्तान ऋषभ पंत ने खेली दिल्ली के लिए कप्तानी पारी, 32 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने जमकर बल्लेबाजी की दमदार, और वार्नर ने खेली 52 रन की पारी, शॉ ने बनाए 43 रन। मुकेश कुमार ने किया शानदार प्रदर्शन, चटकाए 3 विकेट, अक्षर पटेल को मिली एक सफलता। चेन्नई की ओर से धोनी ने की विस्फोटक बल्लेबाजी, 16 गेंदों में खेली 37 रन की नाबाद पारी, अजिंक्य रहाणे ने बनाए 45 रन। चेन्नई के प्रतिशा पथिराना को मिली 3 सफलताएं, मुस्तफिजुर रहमान और रविंद्र जडेजा ने भी झटके 1-1 विकेट। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस की दूसरी जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, 3 विकेट लेकर मोहित शर्मा बने जीत के हीरो। गुजरात टाइटंस ने 5 गेंद रहते जीत हासिल की, मिलर ने छक्का मारकर जिताया मैच, सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया था 163 रनों का लक्ष्य।
आईपीएल में पहली जीत की तलाश में मुंबई इंडियंस शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। Zee News.